भारत की तरफ से युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी सीमा पार से हो रही फायरिंग पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने बड़ा बयान दिया है। हंसराज अहिर ने साफ किया है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो युद्ध विराम तोड़ना होगा। गृह राज्य मंत्री ने कहा है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने रमजान की वजह से युद्ध विराम किया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो रमजान में ही युद्ध विराम तोड़ देंगे। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीज फायर उल्लंघन पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती की बात है। DGMs की बातचीत के बावजूद ये होना, ये नहीं होना चाहिए। दोबारा DGMs को मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री है हमारे, प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री ने कहा है इस मुल्क पर विश्वास नहीं किया जा सकता और भारतीय सैनिकों को उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में रविवार को BSF के दो जवान शहीद हो गए थे।